My mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. तो हेलो गाइस, कैसे हैं? और आज हमारा जो है राइडिंग प्रोडक्ट आ गए हैं सिलीगुड़ी के लिए, बिल्कुल रेडी, सारा सामान हमारा ओके हो गया है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या सामान आया है। हमने एक राइडिंग जैकेट जो हमारा पुराना कुछ प्रॉब्लम कर रहा था तो हम नया मंगाया था। और भाई ये राइडिंग जैकेट जो है हम जो कि एडन का होने वाला है, और यहाँ पे भी सेफ्टी लगा है, फिर यहाँ पे भी सेफ्टी, आपके एल्बो पे भी सेफ्टी मिल जाता है, ये देख रहे हैं, और आपके आर्म्स पे भी सेफ्टी मिल जाता है। फिर ये हमारा आ गया भाई टेंट जो कि 2% का होने वाला है, और ये स्लिप बैग जो कि काम आए या ना आए लेकिन आगे का कुछ कर देंगे। बाइक भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम 7 या 8 तारीख को हम फाइनली जो है सिलीगुड़ी के लिए सिक्किम के लिए निकल जाएंगे। सिक्किम में हम डायरेक्टली जाएंगे, सिक्किम में हम हरभजन सिंह मंदिर, और वहाँ के बाद हो सकता है हम दार्जिलिंग भी जाएं। दार्जिलिंग जो कि टी बागान, चाय का बागान जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम चाय बागान भी जाने वाले हैं। और ये फाइनली मैंने जो अपना रूम तैयार किया है, ये उसका ओवरव्यू लुक है, ये देख सकते हैं, ये भाई मेरे प्रॉपर रूम का ओवरव्यू लुक है। मैं अपने खुद से ये सारे पैनल जो है ना खुद के भाई डिज़ाइन करके बनाया देता हूँ, ये इस तरीके का। यहाँ अपना हेलमेट हो गया, वहाँ पे पुराना वाला हेलमेट, ये हमारा नया वाला हेलमेट है वेगा का। और यहाँ पे हमारा ये माइक जो कि गोप्रो का माइक जो काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था ना, वो भी सही हो गया, उसमें ये सेट करेंगे, देखेंगे कैसे रात को हम करेंगे इसको सेट। अभी फ़िलहाल और भी काम है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो चलते हैं। तो भाई फाइनली हमारा हेलमेट तो ये रहा वेगा का, जो आपको पता ही है मैंने परचेज कर लिया। इसमें माइक का माउंटिंग जो है वो कैसे सेट करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। भाई अंदर अंदर फिटिंग करेंगे, ऐसा ना हो हम बाइक चला रहे हैं और हवा में कुछ ऐसा हो। ये हमें माइक जो पड़ा है भाई SJ6 7 8 के लिए, जो कि 1700 की कोस्टिंग का सिर्फ ये माइक पड़ा है। अब वॉइस क्वालिटी मैंने चेक कर ली भाई, शानदार वॉइस क्वालिटी भी इसका, ऐसा ना हो कि कुछ भी इसमें प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। तो वन बाकी हम फिटिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें टोटल कितना टाइम लग रहा हो, कैसे कैसे फिटिंग होना है ना, ये मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ इसको हटा करके, ये देखिए ये लॉक है ना, लॉक करके हटा करके ना, और इसके अंदर वायर करके, और साइड से जिसका रबर बैंड टाइप का है साइड से, तो उसमें जा करके मैं पूरा वायरिंग करूँ इसका। तो भाई फाइनली हमारा ये जो है माइक यहाँ पे देख सकते हैं लग गया है, और ये रहा माइक, पता ही नहीं चला ये माइक है या नहीं है, मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये माइक ही है। और हमने जो वायरिंग की है ना वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से किए भाई। यहाँ से वायर जा करके ना, और इसको जो साइड वाला रबर है ये हटा करके, ये देखिए यहाँ से साइड से हम ले करके ना, और इसके बीच में से फिर गैपिंग करके इस तरीके से ले करके, और वहाँ तक ले गए हैं माइक का वायर, ठीक है। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात है ना हेलमेट जो है वो शानदार है, और ये हमारा गोप्रो है, गोप्रो भी सेट कर ही देते हैं, देखते हैं यहाँ पे गोप्रो में आसानी से माइक लग जाएगा इस होल्डर में। और ये हमारा जो है थोड़ा सा टूट गया भाई, क्रैक हो गया था इसके बैटरी के कारण, काफ़ी देर हमने चार्ज में लगा कर छोड़ दिया, जो उसका कारण ये है। तो भाई फाइनली हमारा जो है ना माइक वाइक सारा सेटअप तैयार हो गया, अब इसको बस कब ऑन करना है ये हम ही जानते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक आने वाला है, देख सकते हैं आप।